हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, जिनको मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी जेम और सोल जेम्स भी कहा जाता था। तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, लेकिन आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया होगा कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे बने हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे बने हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स और इन्फिनिटी जेम मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स में बिल्कुल सेम ही हैं, सिर्फ कलर और ओरिजिन में डिफरेंस है। तो दोस्तों, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के नाम ये हैं: माइंड जेम, सोल जेम, स्पेस जेम, पावर जेम, टाइम जेम और रियलिटी जेम। दोस्तों, हमेशा से ही मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज तकरीबन इन्फिनिटी स्टोन्स पर ही बेस रही हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के कॉमिक बुक में ओरिजिन की। तो दोस्तों, मार्वल के यूनिवर्स से भी बहुत पहले एक ओमनीपोटेंस बीइंग थी नेमेसिस, और उसका सभी रियलिटीज पर राज था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अकेली थी और उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ लाइफ फॉर्म्स बनाए, लेकिन उन लाइफ फॉर्म को अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता था और बहुत ही जल्द सारे लाइफ फॉर्म्स बुरे बन गए और नेमेसिस ने गुस्से में आकर इन सबको खत्म कर दिया। और उसके बाद नेमेसिस दोबारा बहुत ज्यादा अकेली हो गई और उसने इन सबसे तंग आकर सुसाइड कर ली। लेकिन नेमेसिस की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई, जिनको हम इन्फिनिटी जेम्स भी कहते हैं। दोस्तों, इन्फिनिटी जेम्स के कॉमिक्स ओरिजिन की स्टोरी यहीं खत्म होती है और अब बात करते हैं उनके मूवी ओरिजिन के बारे में। दोस्तों, इन्फिनिटी स्टोन्स के ओरिजिन के बारे में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कलेक्टर ने कुछ ऐसा बताया है कि यूनिवर्स के बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटीज थी, उसके बाद बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के होने की वजह से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया और इन सिंगुलैरिटीज के बचे हुए से उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स में कन्वर्ट हो गए। और ये इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को शो करते हैं, जिनसे मिलकर यूनिवर्स बना है। दोस्तों, अगर इन 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ लेके आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक बार कॉमिक्स में थैनोस के पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे और उसने एक चुटकी में आधी से ज्यादा यूनिवर्स तबाह कर दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें।